नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बारे में। अगर बात करें कंपनी के स्टॉक प्राइस की, तो कंपनी का स्टॉक 102 रुपये 75 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में 4.90% की आपको पॉजिटिव क्लोजिंग यहाँ देखने को मिली है। अगर बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो कंपनी ने अभी तक 72% तक ये कंपनी का जो स्टॉक का क्रेश होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है पिछले कुछ समय में। अगर बात करें तो यहाँ पर पिछले एक साल की अगर बात करें, तो 14 मई से लेकर अगर बात करें मई 2021 से मई 2022 तक अगर बात करें, तो यहाँ पर आपको 39% तक को गिरावट यहाँ पर इस स्टॉक में देखने को मिली है। जानेंगे इसका रीज़न और कंपनी ने यहाँ पर क्वार्टर रिजल्ट और फाइनेंशियल 2022 का रिजल्ट अपडेट किया है, तो किस प्रकार का रहा है कंपनी का रिजल्ट। अगर बात करें कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट की, तो यहाँ कंपनी की टोटल इनकम पिछले क्वार्टर के अंदर 555 करोड़ थी, वो बढ़कर 561 करोड़ हो गया, यानी 1% के आसपास इसमें जंप देखने को मिला। लेकिन कंपनी का नेट प्रॉफिट 171 करोड़ से कम होकर 88 करोड़ हो गया, यानी 48% तक इसमें आपको गिरावट देखने को मिली है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर 1.78 से कम होकर 0.92, यानी 48% तक आपको कंपनी का अर्निंग पर शेयर आपको यहाँ पर घटता हुआ दिखाई दिया। अगर हम बात करें कंपनी के पिछले साल के क्वार्टर फोर के अंदर, जहाँ कंपनी की टोटल इनकम 531 करोड़ थी, वो बढ़कर 561, यानी 5% के आसपास इसमें आपको रैली देखने को मिली है। अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट जहाँ पिछले साल यहाँ पर -36 करोड़ का था, वो +88 करोड़, यानी 341% के आसपास इसमें आपको जंप देखने को मिला है। अगर हम बात करें अर्निंग पर शेयर, -0.40 से बढ़कर 0.92, यानी 300% के आसपास इसमें भी आपको जंप देखने को मिला है। अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022, तो जहाँ फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर कंपनी का टोटल रेवेन्यू 1821 करोड़ था, वो बढ़कर 1872 करोड़ हो गया, 2% के आसपास इसमें आपको जंप देखने को मिला है। अगर हम बात करें कंपनी का नेट प्रॉफिट, जहाँ पिछले साल 110 करोड़ का था, वो बढ़कर 373 करोड़, यानी 239% का आपको इसमें जंप देखने को मिला है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर 1.19 से बढ़कर 3.87, यानी 225% के आसपास आपको इसमें भी जंप देखने को मिला है। तो कंपनी ने ईयर टू ईयर यहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। और अगर बात करें पिछले साल के क्वार्टर फोर की तुलना में, इस साल के क्वार्टर फोर में कंपनी ने अच्छा रिजल्ट दिया है। अगर हम बात करें कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको गिरावट देखने को मिली है। अभी अगर बात करें कंपनी के पिछले 5 सालों के रिजल्ट अगर अपने चार्ट के माध्यम से देखें, तो पहले यहाँ पर 2020 के अंदर आपको काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली थी, जिसके अंदर आपको 358% के आसपास जंप देखने को मिला था। अगर बाद में दोबारा बात करें, तो यहाँ पर अच्छा खासा इसमें करेक्शन आपको देखने को मिला था, क्योंकि स्टॉक यहाँ से 34% तक आपको इसमें करेक्शन देखने को मिला है 2021 से लेकर 2022 तक। तो जानेंगे कि इस प्रकार से ये, अगर हम बात करें मनी कंट्रोल की ऑफिशियल वेबसाइट पर, 2020 के अंदर कंपनी का जो टोटल नेट प्रॉफिट की अगर बात करें, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 2020 के अंदर कंपनी का -568 करोड़ था। अगर हम बात करें 2021 की, तो फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर 3 क्वार्टर 2020 के शामिल होते हैं। इसके लिए कंपनी ने 2020 के तीनों क्वार्टर के अंदर बेहतरीन रिजल्ट पेश किया था, जिसके कारण आपको यहाँ पर 2021 के फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव। तो कंपनी का रिजल्ट, जैसे जैसे कंपनी ने क्वार्टर रिजल्ट अभी अपने अच्छे पेश किए, वैसे वैसे आपको स्टॉक के अंदर रैली बनती हुई दिखाई दी है। इसी कारण इसी ड्यूरेशन के अंदर आपको इस स्टॉक में अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी, क्योंकि कंपनी -568 करोड़ से +110 करोड़, यानी कंपनी यहाँ पर एक अच्छा करती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही थी, और पिछले कुछ क्वार्टरों से अच्छे रिजल्ट होने के कारण यहाँ पर इस स्टॉक में रैली बनी। लेकिन अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2022 की, तो फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर 2021 के तीन क्वार्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाले थे। जैसे कि अगर देखें, तो जून क्वार्टर के अंदर आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिली थी। उसी के साथ अगर नेट प्रॉफिट को देखें, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जून क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर, यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और मार्च 2021 के अंदर कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर के अंदर, लास्ट क्वार्टर के अंदर घटा है। पिछले तीन क्वार्टर के अंदर अच्छा परफॉर्म करने के कारण यहाँ पर स्टॉक में आपको रैली देखने को मिली है, और उसके बाद कंटिन्यूसली आपको इस स्टॉक में डाउनवर्ड देखने को मिला है। लेकिन पिछले कुछ समय में आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। फिर दोबारा फाइनेंशियल ईयर 2022 के क्वार्टर फोर का रिजल्ट क्वार्टर थ्री की तुलना में काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं होने के कारण यहाँ पर इस स्टॉक में आपको दोबारा से डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिला। आज के ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करें, तो यहाँ पर कंपनी के अंदर अपर सर्किट 4% के आसपास आपको जब देखने को मिला है। आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टस से अगर देखें, तो इस कंपनी के लिए इसके फाइनेंशियल ईयर 2023 का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी के साथ साथ क्वार्टर रिजल्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर हम बात करें इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर की अगर बात करें, मार्च 2021 के अंदर जहाँ 76.05 की होल्डिंग थी, वो मार्च 2022 तक 66.14,
यानी प्रमोटर्स की यहाँ पर होल्डिंग कम होती हुई दिखाई दी है। अगर हम बात करें फॉरेन इन्वेस्टर की, तो मार्च 2021 के अंदर जहाँ 0.7 में उनकी होल्डिंग थी, वो पहले आपको बीच में बढ़ती हुई दिखाई दी, लेकिन उसके बाद कम हुई है। लास्ट क्वार्टर के अंदर आपको ये मार्च 2022 के अंदर बढ़कर 0.31, यानी फॉरेन इन्वेस्टर की यहाँ पर होल्डिंग आपको बढ़ती हुई मिली है। अगर हम बात करें डोमेस्टिक इन्वेस्टर, मार्च 2021 के अंदर जहाँ 12.6 इसकी होल्डिंग थी, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती हुई आपको मिली है, और मार्च 2022 तक ये होल्डिंग 16.45, यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर यहाँ इस स्टॉक के अंदर अपना माल कंटिन्यू स्टैक बढ़ा रहे हैं। अगर हम बात करें पब्लिक की, मार्च 2021 के अंदर 10.57 की होल्डिंग थी, वो कंटिन्यूसली बढ़ती हुई आपको मार्च 2022 तक 17.11, यानी कंपनी के अंदर पब्लिक की जो है स्टॉक होल्डिंग कंटिन्यूसली बढ़ रही है। अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छा यहाँ पर शानदार रिटर्न मिल सकता है। अगर हम बात करें इस स्टॉक के लिए, जैसा कि पहले भी बताया, इसका क्वार्टर वन फाइनेंशियल 2023 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहना है, और उसी के साथ फाइनेंशियल ईयर 2023 के रिजल्ट इस कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के साथ कंपनी की बैलेंस शीट में भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, और कंपनी के अंदर एक अच्छी खासी जो है मल्टीप्लायर रिटर्न भी आपको मिल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। कीप सपोर्ट।